दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे विन टोकन्स के बारे में, जो समथिंग कोइन मार्केट कैप के ऊपर 141वें नंबर पे लिस्टेड है। ओके, उसकी जो रैंकिंग है 141वें नंबर पर है। अगर उसके अलावा बात करते हैं तो मैक्सिमम जो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 766 बिलियन जो सप्लाई है अभी तक हो चुकी है 77%। और अभी जो मार्केट में इसकी जो हाई प्राइस थी लगभग मार्च या अप्रैल में लगभग इन्होंने हाई किया था, और समथिंग ये 23 से 30 पैसे के आसपास गया था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में ये लो आया जो मैं आपको बताया था, लगभग गया था मार्च में। ओके, उसके बाद में काफ़ी हद तक डाउन हुआ, उसके बाद में ये मार्केट में अभी ये ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो विन टोकन के बारे में, तो विन टोकन लगभग ट्रोन बेस एक प्रोजेक्ट है जो मार्केट में रन कर रहा है। ट्रोन का आपने नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने BTT का नाम सुना होगा, ब्लिंक का नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा एक टोकन और है, मैं नाम उसका भूल गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कितना विन जा सकता है वापस और कितना मार्केट में बूम कर सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं हैं तो वहाँ पे फटाफट ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। अगर बात करेंगे तो विन जो टोकन से लगभग ये बार बार ये बर्न कर रहे हैं, हर बार ये विन टोकन को लाइव यहाँ पे बर्निंग इसकी हो रही है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। लगभग मान के चलिए tronscan.org के ऊपर आप जाके विजिट कर सकते हैं, और इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। लगभग बार बार इसकी जो बर्निंग है बार बार यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो एक चांस इसका भी बनता है कि वापस इसका जो एकदम पूरा का पूरा हाई है उसका रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना भी इसकी मिल जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, लगभग हर बार 15 करोड़ टोकन यहाँ पे बर्न होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि कितना आप जा सकता है, कितना आप नहीं जा सकता है। तो उसके पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, और अभी उसके पहले एक बताया था मैंने आपको कि सिप टोकन का कल का एक वीडियो था, उसमें लगभग अभी 16% प्रॉफिट लोगों को मिल चुका है, और टारगेट ही रहेगा ये वाला, जो ये छोटा सा जूम इन करूँगा तो बड़ा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके बाद में लास्ट टारगेट ऊपर वाला जो सेम थिंग इससे भी डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे विन USDT। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं है तो फटाफट जाइए, विजिट करिए, एंड कुछ आपको यहाँ पे हमेशा अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक मिनट यहाँ पे, ओके, 4 hours का जो टाइम फ्रेम है मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। चूज़ करने के बाद में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जिस तरह से प्राइस ऊपर जा रहा है उस तरह से ये यहाँ से आया, इसका हाई तोड़ा, वापस लो आया, इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से वापस अप गया, इसका हाई तोड़ा, वापस डाउन ट्रेड आया। तो इस समय अगर मान के चलिए, मोटा मोटा अगर मान के चलते हैं कितना जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ वापस। ओके, ये इसका हाई तोड़ा, ओके, और यहाँ पे इसका हाई तोड़ा, यहाँ पे इसका हाई तोड़ा, ओके, तो अभी जो इसका टारगेट होगा लगभग 0.0008 सेंट्स के आसपास। ठीक है,
मतलब मान के चलिए कि 5 7 पैसे 8 पैसे के आसपास, अगर ये जो फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला, अगर ये टारगेट टूट जाता था ये वाला, यहाँ से बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें अप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है लगभग 0.0081 के आसपास, तो ये आपको यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा, जो समथिंग अगर मान के चलिए इस बार का जो इसने हाई को क्लोज़ किया था वही रिकॉर्ड ये बार बार वापस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका टारगेट होगा वो होगा लगभग मान के चलिए 0.0013 के आसपास, और उसके बाद 15 16, और उसके बाद में इसका जो हाई होगा ये यहाँ पे तोड़ने वाला है, ठीक है। तो आपके पास मौका है क्योंकि मार्केट में सबसे सस्ता कॉइन है बाइनेंस के ऊपर, और सबसे सस्ता कॉइन बाइनेंस के ऊपर मिल रहा है, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट है अगर यहाँ पे मिल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 0.0008 के आसपास, और उसके बाद में जो टारगेट होगा 16 17 के आसपास, ठीक है। तो वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं हैं तो ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।